कि आपने विधायकों के अनुभव एवं नवाचारों पर विचार करने के लिए हम सबको प्रेरित किया। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, आज जो नवाचार यहाँ पर होंगे उससे जो नए सदस्य यहाँ पर जीत के आए उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि हमारे प्रतिपक्ष के कुछ साथी जो नए भी हैं ये इस बात का विचार नहीं कर रहे हैं। जूली साहब, पूरे राजस्थान आपको देख रहा है, पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है कि किस तरह आप नवाचार के दिन नए सदस्यों को सीखने नहीं दे रहे हो, आप इस तरह के कृत्य कर रहे हो जिससे राजस्थान शर्मसार हो रहा है। लेकिन अब भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा विचार करो और अपनी अपनी बेंचों पर जाओ। पहले अपने मैं जाओगे तब बात करूंगा। मैं एक 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 बात कहना चाहता हूँ, अनुभवों की कमी नहीं है। आप बोलिए, इनके नवाचार यही है, आप अपने नवाचार बताओ। मैं ही बोल रहा हूँ अनुभव, एक तो सब माइक ऊपर नहीं है, क्या करूँ मैं। अनुभवों की कमी नहीं है। यहाँ हमने कई मौसम बदलते देखे हैं, कभी सरकार बदलती देखी है तो कभी सरकार बदलते देखे हैं। अब गांव बदल जाए, शहर बदल गए, कुछ हम बदले, कुछ आप बदल जाए, बदलना ही है तो कुछ नजरिया बदल कर देखो, नेतागिरी वही है, कुछ अंदाज बदल कर देखो, ये है नवाचार, इस पर आप विचार करो। लेकिन आप ले देखे तो आपका पुराना सिस्टम है, उसमें चल रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है जब मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने हमेशा जिनको हमेशा हमने अपना प्रेरणा का सूत्र माना है, और उन्होंने जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, जब मैं निमाड़ा से विधायक बना, उसके पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब वहाँ से विधायक थे, और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी और वो पूरे राजस्थान को भी वो कहते थे, इन्होंने तय करा इनको कि राजनीति में इनके नारे लगवाते रहे, दुश्मन पैदा मत करो, दोस्त पैदा करो। और उस रास्ते पर जितने नए विधायक हैं, मेरा उनसे निवेदन है उस रास्ते पर चलते हुए प्रयास इस बात का करो कि हमारे दुश्मन कम से कम हो, दोस्तों की संख्या बढ़ाओगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, नवाचार का मतलब क्या होता है? नवाचार का मतलब है नए विचार। अगर नवीनीकरण से हम देखें, अध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण तो करना ही है, लेकिन जो नवाचार के साथ आचार जुड़ा हुआ है, उस आचार का मतलब यह है कि हमारा व्यवहार कैसा है जनता के साथ, हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, हमारे क्रियाकलाप कैसे हैं, हमारे शिष्टाचार कैसा है। इन कांग्रेसियों के शिष्टाचार सीख गए तो तुम डूब जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी से अपील कर रहा हूँ कि अपने सीटों में जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। अपने सीटों में जाओ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, अब जाइए। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी सीटों में जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। अपनी सीटों पर जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक मिनट, मेरे भाषण का क्या होगा सर? व्यवस्था वही दूंगा जो दिए। मैं अभी निकलवाने का नाम ले रहा हूँ, प्रस्ताव लाइए संसदीय मंत्री। अरे बैठो संसदीय मंत्री, मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ, मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ, मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ। देखो तुम सदन में आकम 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 माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अरे भाई कोई तैयार नहीं है, कृपलानी जी कौन से नवाचार की बात करेंगे? मान्य नेता प्रतिपक्ष महोदय, अध्यक्ष जी आप खड़े हैं, आप खड़े रहे, आपके ये एमएलए है पीछे सवाल है, नहीं मैं उस सदस्य का नाम ले रहा हूँ,
आपके कहने का रुक जाऊं, मैं अभी सदन में कभी पाँव नहीं रख पाओगे। अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चपरा ये मेरे साथ नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो, तुम बैठो, मैं तुम्हें क्या कहना होता है, ये कहना सबको आता है, ये तमाशा है। इसके माननीय संसदीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी नियुक्त लाने का उस सदस्य का प्रस्ताव लाइए। अध्यक्ष जी संसदीय मंत्री ऐसे ऐसे सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव लेके आओ, इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष जी मैं भी अध्यक्ष जी उसके अध्यक्ष जी के खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष जी सदन चले नहीं चले, यहाँ यूं करके मेरे से बात कर रहे हो, अध्यक्ष से बात कर रहे हो, इतनी तमीज नहीं है। एक आप इराज आप इराज आप इराज प्रस्ताव लाओ इसका तो। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी आप इराज नहीं, अब उसको उसको सदन से बाहर भेजो, उसको सदन से बाहर भेजो तब मैं सुनूंगा। अध्यक्ष जी हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अध्यक्ष जी अध्यक्ष महोदय अरे भाई अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अरे सुनो अरे एक तरफ जहां आप नवाचार का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर से कदाचार हो रहा है, आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है, आसन को ऐसे धमकाया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ, श्री मुकेश भाकर सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए, इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो, जो सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है, अब वो बाहर जाएगा।